पहुंच भी नहीं पा रही है। गिरेगी, यहाँ से भी तोड़ दो। ऐसे देखो। अरे बहुत अच्छा स्ट्रॉबेरी अच्छे से आ रही है। अच्छी सी लोकेशन बताओ। अरे बड़ो बहुत बहुत तो है। तीन से तीन वो आड़ू। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आशा है कि आप भी अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कुशल पूर्वक होंगे। हम भी यहां पहाड़ों में मौज मस्ती के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का वातावरण, चारों तरफ हरियाली फैल रखी है, दूर हल्का कोहरा भी लग रखा है क्योंकि बारिश आने की संभावना है। और सुबह आसमान साफ हो रखा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आसमान में किस तरह से बादल आ चुके हैं, तो शाम तक जो है बारिश आने की पूरी संभावना बन रही है। इस समय दोपहर का खाना बन रहा है और मैं बैठा हूँ घर की एक दीवार में। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये है हमारा आड़ू का पेड़। तो इस पर हो रखे हैं काफ़ी बड़े बड़े आड़ू। अब ये आड़ू स्पेशल क्यों हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने बसगले आड़ू का तो नाम सुना ही होगा। तो बसगले आड़ू वो होते हैं जो बरसात के मौसम में होते हैं। तो ये वही वाले आड़ू हैं जो हरे होते हैं, और एक आड़ू होते हैं पीले। तो उन्हें हमारे स्थानीय गढ़वाली भाषा में कहा जाता है चू आड़ू, ठीक है ना। तो वो पीले होते हैं, तो वो भी आजकल अभी हुए नहीं हैं, लेकिन वो होंगे जून के लगभग अंतिम सप्ताह में। तो ये भी बरसात में होते हैं जुलाई में, लेकिन ये अभी से मीठे होने शुरू हो गए हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इस पेड़ पर किस तरह से आड़ू पक रखे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में दो प्रकार के आड़ू पाए जाते हैं। इनमें से जो पहले आड़ू हैं वे मई और जून के महीने में पक करके पीले हो जाते हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हैं बसगला आड़ू। बसगला अर्थात बसगाल में होने वाले, अर्थात बरसात के मौसम में जो होते हैं उन्हें बसगला आड़ू गढ़वाल की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। पहुंच भी नहीं पा रही है। पहुंच गई ना, शिवी मिल गए। दीदी यहाँ से भी तोड़ दो। ले तेरा, पकड़ जल्दी। दिखा 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 कितना बड़ा। दीदी यहाँ से भी तोड़ दो। ऐसे देखो। मन्नू दे, साधना दे, पकड़ एक एक वहाँ से भी तोड़ पकड़। दो बुद्धू सबसे शिवी देना। रुक पहले क्या तोड़ो, हटाओ सका ठीक है सब को नहीं देना हाथ में। बेटे मत तोड़ो, बेकार हो रहे हो, टटमरे हो रहे हैं अभी। तो तोड़वाई क्यों? मैंने तो झूठ बोला, मीठे हो रहे हैं। अरे बहुत अच्छा स्ट्रॉबेरी अच्छे से आ रही है। अच्छी सी लोकेशन बताओ। अरे बड़ो वो देख, वो दिख रहा है वो सामने वो। ये हाँ तोड़ दे उसको, दांत में खिलाना तो फिर बंदर आएंगे तो खा देंगे सारे। बॉल के जैसे फेंको, क्यों फेंको बॉल के। ये भी एक आड़ू का पेड़ है, और ये है उत्तराखंड का पारंपरिक आड़ू जो कि यहाँ के खेतों में या घर के आसपास पाए जाते हैं। लेकिन ये आकार में छोटे होते हैं, और ये तब पकते हैं जब जुलाई और अगस्त महीने में तेज़ बारिश लगती है, और उसके बाद ये पकने शुरू होते हैं और इनसे पूरे पेड़ भर जाते हैं। लेकिन इनकी जो अवधि होती है रहने की, ये काफ़ी कम होती है, और बाद में यदि ये आड़ू ज़्यादा पक जाते हैं तो फिर इन पर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी ये पूरी तरह से कच्चे हैं। बरसाती आड़ू का जो दूसरा प्रकार है वो ये है जो आप देख सकते हैं। इस आड़ू का आकार जो है पिछले आड़ू से काफ़ी बड़ा है, और ये एक हाइब्रिड पौधा है, और इसको हमने कहीं बाहर से मंगाया था, पिताजी लाए थे, और उनके द्वारा इन 5-6 पौधों को यहाँ पर लगाया गया, और अब ये बड़े पेड़ हो चुके हैं। तो इन पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आड़ू आते हैं, और ये आकार में भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो अभी इन आड़ों को पकने में लगभग 15 से 20 दिन का समय और लगेगा, और ये बरसाती आड़ू की अपेक्षा जल्दी पक जाते हैं, और खाने में भी काफ़ी मीठे होते हैं, और इनका आकार भी काफ़ी बड़ा होता है। ये भी इसी पेड़ का आड़ू है, लेकिन ये अभी देखिए ये अभी कच्चा है, और
टहनी से सटा हुआ है और इसी टहनी पर कुछ और आड़ू भी हैं जो छुपे हुए हैं इसके अंदर। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इनको। इनका आकार काफ़ी बड़ा है और ये देखिए अच्छी तरह से अब धीरे धीरे ये पकने शुरू हो गए हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि 10 से 15 दिन के बाद ये आड़ू अच्छी तरह से पकने शुरू हो जाएंगे और फिर इनमें ज़बरदस्त मिठास हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन टहनियों के अंदर ये लगे हुए हैं। इस पेड़ से काफ़ी आड़ू ऐसे भी हैं जो नीचे गिर जा रहे हैं और टहनियों से टूट करके ये आड़ू अपने आप गिर रहे हैं। तो इनमें क्षमता नहीं है कि ये टहनियों पर रह सकें, इसलिए ये बिना पके ही यहाँ से झड़ जा रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह से ये आड़ू सारे यहाँ पर गिर गए और इनको अब मैं कलेक्ट करके ले आया हूँ। तो ये हमारे पालतू पशुओं के खाने के काम आ जाएंगे। तो पेड़ की टहनी पर लगा हुआ आड़ू आप ये देख सकते हैं और इन आड़ूओं को लगातार मैं कई दिन से देख रहा हूँ और इनको देखते देखते मुंह में ज़बरदस्त पानी आ रहा है। तो आज मैं इस आड़ू को तोड़ लेता हूँ, एक इसका टेस्ट करते हैं कि ये खट्टा होगा या मीठा होगा। तो इसको मैंने तोड़ लिया है, दिखने में तो काफ़ी अच्छा है और अभी इनका आकार छोटा है और पकने के बाद ये और बड़े हो जाएंगे। तो चलिए पहले धो देते हैं इसको नल के पानी से और फिर देखेंगे इसका स्वाद कैसा है। अभी उतने बड़े नहीं हैं और परिपक्व अवस्था में भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी जब हम इनको रोज़ रोज़ देखते रहते हैं तो मन करता है कि इनको खाया जाए। तो चलो आज इसको टेस्ट कर ही लेते हैं। तो ये है पहाड़ी आड़ू, जैसा कि मैंने आपको बताया इसको हम बोलते हैं बसगले आड़ू। तो काफ़ी बड़े साइज़ में है, वैसे ये छोटे होते हैं लेकिन ये जो पेड़ है इस पर काफ़ी बड़े आड़ू आते हैं और इसी तरह से दो तीन पेड़ हमारे और हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, ये ऑर्गेनिक आड़ू है, किसी तरह का पेस्टिसाइड या कोई भी रासायनिक उर्वरक इनमें हम प्रयोग नहीं करते हैं। मिठास भी है ही इनमें, काफी रसीले हैं। अपने पेड़ के फल खाने में मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा मैंने अभी पेड़ से तोड़ा है तो ये बिल्कुल ताज़ा है और कोरोना का तो इसमें बिल्कुल ख़तरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डायरेक्ट पेड़ से तोड़ा, किसी के हाथ में नहीं गया और डायरेक्ट हमने ही पकड़ा और खाना शुरू। तो दोस्तों यही है हमारा पहाड़ी जीवन, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, जैसा है वैसा है, शांत है, सरल है, सौम्य है और स्पष्ट है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ निरंतर लाते रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।